स्वागत दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कई सब्सक्राइबर एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं और उन्हें मैं रिप्लाई देता हूं बार बार। आप चाहे तो मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन की वीडियोस को देख सकते हैं या नहीं तो कई रिप्लाईज जो है उसको भी देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वो बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि एक म्यूचुअल हो जाने के बाद वो दोबारा म्यूचुअल लगा सकते हैं क्या। हाँ, तो एक दो सब्सक्राइबर के मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूं जो आप देख सकते हैं। आप एक म्यूचुअल कंप्लीट होने के बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती, क्योंकि अगर आपका जोनल म्यूचुअल है तो ट्रेनिंग होगा आपका, जो भी ट्रेनिंग का स्टिपुलेटेड टाइम है, तो जोनल म्यूचुअल के बाद आपका जो ट्रेनिंग खत्म होगा उसके बाद पोस्टिंग दी जाएगी, उसके 21 दिन बाद आप दोबारा म्यूचुअल का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप म्यूचुअल का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो पर्सनल का क्लर्क आपके सार फाइल की बात करता है, जो आपको नहीं दिया जाता है वो डायरेक्टली भेजा जाता है डिपार्टमेंट को, और उसमें कई बार एक साल भी लग जाते हैं सर्विस रिकॉर्ड फाइल भेजने में। लेकिन आप पोस्टिंग मिलने के 21 दिन बाद नया म्यूचुअल का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, और ऐसा आप टोटल 3 बार कर सकते हैं। यानी 3 बार आप म्यूचुअल का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं पूरे सर्विस पीरियड में। तो शायद आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। दूसरी बात, स्पाउस ग्राउंड के संबंध में दूसरा क्वेश्चन है कि कई लोग पूछते हैं कि मेरी पत्नी स्टेट में है या मेरे पति स्टेट में जॉब में है या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं स्पाउस ग्राउंड के संबंध में कई वीडियो बना चुका हूं, इसमें भी क्लियर कहता हूं, अगर आपके पति या पत्नी किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है या पब्लिक सेक्टर में है या सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त है, ऐसे किसी भी जॉब में है, तो आप स्पाउस ग्राउंड का रिक्वेस्ट लगाएंगे और वो कंसीडर किया जाएगा और आपका ट्रांसफर होगा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के जॉब को कंसीडर नहीं किया जाता, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के जॉब को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये दूसरा चीज हो गया। अब तीसरे क्लॉज की बात करते हैं कि कई बार लोग ये पूछते हैं कि अगर रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो क्या हमारा ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। देखिए, कंसीडर अब जिस दृष्टिकोण से, जिस व्यू से स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की एप्लीकेशन बनाई गई है या रूल लाया गया, उस हिसाब से कंसीडर किया जाना चाहिए। बट उसमें स्पेशली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर को ही कंसीडर किया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का एक और रहता है कि स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफर होने के बाद सीनियरिटी क्या होगी। तो सीनियरिटी आपकी वहां पे आप बॉटम जूनियर होंगे, यानी आपके कैटेगरी में, आपके डिपार्टमेंट में आप वहां पे सबसे जूनियर हो जाएंगे। हाँ, आपके बाद जो म्यूचुअल आएगा, स्पाउस आएगा, वो आपसे नीचे जूनियर होगा, लेकिन आप सबसे नीचे। चौथा क्वेश्चन आता है एक और, ये पूछा जाता है कि बेसिक कैसे डिसाइड होगी, क्या कम हो जाएगी। नहीं, बेसिक आपकी कम नहीं होती है, लेकिन आप जिस जूनियर ग्रेड में आएंगे, मान लीजिए जो आपका जूनियर ग्रेड होगा उसका जो इंक्रीमेंट होगा, जितनी इंक्रीमेंट उस जूनियर ग्रेड में होती है वहां से आपका इंक्रीमेंट का शुरुआत होगा। आपका कोई बेसिक सैलरी कम नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक सैलरी कम नहीं होता है, लेकिन जहां आप जिस जूनियर ग्रेड में पहुंचते हैं उसकी जो इंक्रीमेंट होगी वही इंक्रीमेंट आपको लगेगी। ये एक और है। और एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा कि हमेशा आप लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर जब आप लोग करवाते हैं तो क्या सीनियरिटी मिलेगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कोई 2021 का 2020 के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करवाता है, दोनों सेम कैडर है, सब कुछ सेम है, तो 2021 और 2020 के दोनों ने म्यूचुअल ट्रांसफर कर, तो इसमें 2020 वाले को 2021 की सीनियरिटी मिलेगी, 2021 वाला अपनी सीनियरिटी रिटेन करेगा, लेकिन 2020 वाले को 2021 की सीनियरिटी मिलेगी, क्योंकि दोनों में जो जूनियर है यानी 2021 वाला, उसकी सीनियरिटी दोनों को मिलेगी, यही सीनियरिटी रिटेन होती है। हाँ, अगर कोई क्लर्क कोई स्पेशल क्लॉज लगाते हैं तो ये एक अलग बात है, उसे क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन नॉर्मली यही नियम है कि दोनों में जो बॉटम जूनियर होगा उसकी सीनियरिटी दोनों को मिलेगी। तो ये था आप लोगों के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ आंसर। अगर और भी कोई क्वेश्चन रहता है तो जरूर पूछिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।